ये कमीना फिर आ गया हमारी बेटी की जिंदगी में। तूने उस लड़के के लिए बुलाया मैं? उस लड़के के लिए? माँ माँ वो नहीं है, आप गलत समझ रही है। भाई परे भी है, तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटा गया। नहीं बाबू जी, ये रोहन नहीं है, ये गुरु है, आप समझने की कोशिश कीजिए। गुरु? ये हम सब का गुरु है। अरे तू कैसे भूल गई, इसने इतनी बेइज्जती करी हमारी। कर्म जली, तेरी बुद्धि खराब होगी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अरे तुझे राज सरिता ना बचाते उस कमीने के चुंगल से, तो आज तू उसके घर की सुंदरी बनी हुई होती। आप लोग एक बार मेरी बात शांति से सुन लीजिए। ये वही लड़का है जो मुझे दो बार मिला था, और मुझे भी यही गलतफहमी हो गई थी कि ये रोहन है। लेकिन ये एक गरीब घर का लड़का है, अपने भाई और भाभी के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है, बहुत ही मामूली मामूली नौकरी करता है ये। बाबूजी, ये गुरु है, रोहन नहीं है। भैया भैया, हम तीनों ने जेल में देखा था ना रोहन को, वो बहुत सजा काट रहा है। भाभी भाभी, मेरी बदकिस्मती है कि रोहन की शक्ल हूबहू उससे मिलती है। लेकिन भैया भैया, आपको पता है, दो बार उसने मुझे गुंडों से बचाया, और आज उनकी जो हालत है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। प्लीज भैया, उन्हें ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। भैया भैया, शायद उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो ऑपरेशन पे खर्च कर सके। भैया मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज भैया। बोलना बंद कर। अरे वो रोहन चौहान हो चाहे गुरु शुरू, हमें उससे कुछ लेना देना है, और वो पढ़ा ही हाँ, अरे पढ़े रहने दे उसे, अब मरे या जी हमें उससे क्या। सही कह रहे तेरे बाबूजी, अरे वो कल मरता हो तो आज मर जाओ, हमारी बला से रांद कटे उसकी, पाई समझा ना इसको। आपको फर्क नहीं पड़ता ना? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं उनसे। प्यार? भाभी भैया, माँ बाबूजी मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। अभी मैंने उसे मार खाते हुए देखा है भाभी, प्लीज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, नहीं मुझे गुरु को बचा लो भैया। उन सवारे आपके सर पे, हॉस्पिटल है, तमाशा मत कीजिए, मैं बात करता हूँ। संभाल लेते वरना जान से मार दूंगा सर। मैं बात करता हूँ, आप जाइए, तू भी जा, जा तू भी, मैं बात करता हूँ। देख शीला, इंसानियत के नाते मैं इस लड़के की मदद कर दूंगा, लेकिन जो हुआ उससे मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। साम शक्ल से नजदीकियां बढ़ाने से पहले तुझे हमसे बात करनी चाहिए थी। वो पैसे जमा करने थे। शीला, तुझे नहीं लगता कि ऐसे इत्तेफाक सिर्फ ख्यालों में, टीवी में, फिल्मों में होते हैं कि एक ही शक्ल के दो इंसान किसी एक ही इंसान को दो बार मिलते हैं, और वो भी इतने कम टाइम में? मुझे तो लगता है कि रोहन ने ही अपना भेस बदला होगा। भाभी, मैंने उनका घर देखा है, उनकी भाभी को उनको छली कट्टी सुनाते देखा है, वो जो शॉप में काम करते हैं वहां भी मैंने पता किया, वो रोहन नहीं है भाभी, बस उस जैसे दिखते हैं। और मैं जाने लगी हूं उनको, बहुत प्यार करती हूं मैं उनसे भाभी। शीला, तू जानती है तू क्या कर रही है? हाँ भाभी, मैं शादी करना चाहती हूँ उनसे, उनके साथ घर बसाना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी उनके साथ जीना चाहती हूँ। और अगर बाबूजी और राजी इस बात के लिए नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूँ। शीला, तू पागल तो नहीं हो गई? अच्छा जी, जान तो तू तब देगी ना जब घर से बाहर जाएगी। उस लड़के का ख्याल दिमाग से निकाल दे, अब चाहे तू जान देने की धमकी दे या कुछ भी कर, इस जन्म में तो तेरा मिलन उस रोहन जैसे लड़के से नहीं होने दूंगी मैं किसी हाल में। चल यहाँ, प्लीज माँ, चल माँ, मुझे यही रहने दे गुरु के पास। हे भगवान, शीला कुछ ऐसा ना कर बैठे कि सबको पछतावा हो। समझाने
खबरदार, अगर किसी ने इस कमरे का दरवाजा खोला मुझसे बुरा नहीं होगा। बस तूने ही लड़कियों का सर चढ़ा रखा है ना, अरे देख लिया नतीजा। आप सब चुप ही रहिए। कभी दुनिया की कमाई में नजर आती है, कभी विक्रांत के घर के खजाने पर। अरे बहू के बोनस में उसे फुर्सत मिला है तो सोच देना बेटी के लिए। अगर आपका धन बेटी की तरफ होता तो आज मेरी बेटी शादी शुदा होती किसी अच्छे घर में। सब आपकी गलती है। सेठ जी, ये नाजुक घड़ी है, बेटी का पांव कभी भी फिसल सकता है। अपने होश संभालो और कोई अच्छे घर का लड़का ढूंढो। चाची, शीला तो उस लड़के के प्यार में दीवानी हो चुकी है। वो लड़का रोहन ही हुआ तो? पर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। चीख चीख कर वकालत करी है कि वो लड़का कोई गुरु है, रोहन नहीं। अरे वो पागल तो पहले भी दीवानी हो गई थी रोहन के प्यार में, आप पर भी हाथ उठाया तो और पता नहीं क्या क्या तमाशा खड़ा किया था। लेकिन हम तो पागल नहीं है ना, सब कुछ जानते हुए उसे कुएं में कूदने दे नहीं सकते। कल को अगर पता चला कि वो गुरु नहीं रोहन है और ये उसके परिवार की कोई चाल है तो। चाची, इस वक्त माँ बाबू जी समझदारी से काम नहीं लेंगे, हमें ही सबर से काम लेना होगा। एक तरफ शीला को समझाना होगा और दूसरी तरफ ये रोहन गुरु जो कोई भी है इसकी सच्चाई को पता करना होगा। चाची, मेरा फोन पास करना। हाँ सरिता। सरिता, मैं सोच रहा था कि कल हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, शादी के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी। विक्रांत जी, इस वक्त मैं किसी और ही मुसीबत में हूँ, कल आ पाऊंगी या नहीं पता नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो इससे भी ज्यादा जरूरी है? किसकी जिंदगी में है ये मुसीबत? राज, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। देखिए, शीला की जिंदगी में जो कोई भी मुसीबत है ना, उसका हल हम दोनों साथ मिलकर ढूंढेंगे। अगर आप मेरे साथ ना होती तो न जाने कैसे सामना करता मैं इन सारी मुसीबतों का। आपको नहीं लगता कि आप दोनों कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं उस पर? अभी तो ये भरोसा भी नहीं कि वो इस घर में शादी करके आएगी। आपने देखा नहीं, सगाई के दिन उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ राज पे था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो राज के लिए कुछ भी कर सकती है। मामा, मामा। अरे अभी क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ, बुरा सपना दिखा क्या? मैंने देखा कि मम्मा उनकी छोड़ के चली गई है। बुरा सपना था, इट वॉज जस्ट अ बैड ड्रीम। मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, सोचो। और आपके डैडी आपसे वादा करते हैं, अगर वो जाना भी चाहे ना तो वो आपकी मम्मा को आपके पास लेकर ही आएंगे। बेटा, खुद को भी और हमें क्यों तकलीफ दे रही है तू? अरे वो लड़का उस कमीने की हम शकल था, तुझे और हमें बड़ा दुख दिया उसने, तू उसे भूल जा बेटा। देख बेटा, तुझे मैंने अपनी कोख से जाना है
और तेरे घर बसाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पे भरोसा कर बेटा, तेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढूंगी कि तू देखती रह जाएगी। बेटा तू खुश होगी तो सारा परिवार खुश होगा। ले चाय पी ले। तू नहीं सुनती ना मेरी बात तो मत सुन, ये रखी चाय और जब तेरा जी करे जब पी लिए। और मेरी बात एक कान खोल कर सुन ले, इस घर से बाहर तू जब जाएगी, जब तेरे सर से ये प्यार व्यार का भूत उतर जाएगा, समझ गई? वाह बाबू जी, अब आपके रोकने से मैं नहीं रुकूंगी। मैं गुरु के बिना नहीं जी सकती, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमें अभी के अभी रोहन से मिलना है। ठीक है आइए। रोहन तुमसे कोई मिलने आया है। क्या हुआ, तुम लोग बार बार मुझे देखने क्यों आ रहे हो? कहीं तुम लोगों ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहते? कुछ दिन और, उसके बाद तो मैं यहां से रिहा हो ही जाऊंगा। और उसके बाद शीला और मैं कहीं दूर निकल जाएंगे, तुम सबसे दूर। और सरिता जी, आप 10 साल जिन खुशियों के लिए तड़पती रहे, उससे कहीं ज्यादा खुशियां दूंगा शीला को। चलिए राजी, हमारा शक गलत निकला राजी। रोहन तो जेल में ही है, मतलब वो जो लड़का हॉस्पिटल में था वो गुरु ही था। अजीब बात नहीं है, एक ही शक्ल के दो इंसान और दोनों शीला की जिंदगी में, कैसा खेल है ये किस्मत का। सर सर, वो आप एंट्री करना भूल गए। थैंक यू सर। अजीब है आप,
बताया ना आपको, डॉक्टर साहब का राउंड शुरू है। लेकिन प्लीज, किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है राउंड के समय पर। लेकिन फिर भी अगर लीजिए आगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वो गुरु गुरु कैसे है डॉक्टर साहब? फिलहाल तो वो ठीक है, पर उसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट। जैसे आपका ये हाल हुआ है ना, मैं आपकी जिंदगी में आती और ना आप इस तरह। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। शीला जी मेरे लिए प्यार ही जिंदगी, और ये तो बहुत मामूली सी चोट। अगर आपके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं हंसते हंसते दे दूं। दोबारा ऐसे कभी मत कहना। मुझे आपसे एक बात कहनी। पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद कह देना। ये बात अभी कहना बहुत जरूरी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं शीला, कुछ भी नहीं है। देखते दो ना। नहीं शीला, डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। मैं बुलाती हूँ। तुम्हारे पूरे परिवार ने शादी के मंडप से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। भूला नहीं हूं मैं वो दुकान। वो दुकान, वो नौकरी, वो भाभी, सब नाटक, सब के सब मेरे प्लान में शामिल। और वो गुंडे जिनसे मैंने तुम्हें बचाया, वो सब खरीदे हुए हैं। ये लो। थैंक यू। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। थैंक यू भाई। एक बार और जरूरत पड़ेगी और उस दिन मैं सिर्फ पिटूंगा, समझे? चलेगा भाई, चलो। अब तुम पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी हो शीला। पिछली बार तो तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस बार मैंने उन दोनों की आंखों में धूल झोंकी। क्या हुआ? तुम लोग बार बार मुझे देखने क्यों आ रहे हो? वैसे ताज्जुब की बात, राज भैया और सरिता भाभी दोनों के दोनों बेवकूफ बन गए, और उनको भी ये लगा कि रोहन और गुरु
दो अलग अलग इंसान। वैसे आज तो मैं पकड़ा गया था क्योंकि शीला जिस वक्त तुम हॉस्पिटल में थी उस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में था। वो तो अच्छा हुआ कि नर्स का फोन आ गया। वहां से बच के निकला तो मेरे रास्ते में तुम खड़ी थी। आप लोग तुझे गुरु से मिलने क्यों नहीं देते? कैसे निकलूं? उसके बाद नर्स ने मेरी मदद की। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश की। मैं बस दो मिनट में। अजीब है आप, बताया ना डॉक्टर साहब का राउंड शुरू है। प्लीज आप लोग लीजिए आगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गुरु गुरु कैसे? फिलहाल तो वो ठीक है पर उसे आराम की जरूरत है। मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हो तुम शीला, और अब तुम वो चाबी वाला खिलौना बन चुकी जिसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं पैसे घुमा सकूं। अब लूंगा मैं तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से बदला, बदला, बदला। सरिता जी मैं भी साथ चलता हूँ, हम दोनों साथ मिलकर बात करते हैं विक्रांत जी से। नहीं राज जी, मैं अकेली ही जाकर बात करूंगी। हमने क्या तय किया था? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे अजीब सा। जी आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, विक्रांत जी से बात मैं करूंगी, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। पर अगर देखिए राज जी, आपको मेरी कसम, आप जाइए। हेलो राज भैया, जल्दी आइए, शीला दीदी घर से भाग गई है। भैया क्या? मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, अभी रुक। जानती हूँ बहुत गुस्सा होंगे विक्रांत जी, मैं उनसे और अभी से माफी मांग लूंगी। जब मैं प्यार राज जी से करती हूँ तो मैं विक्रांत जी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? जहां तक अभी का सवाल है, अगर वो मेरे बिना नहीं जी सकता तो मैं जिंदगी भर उसे पालने के लिए तैयार हूं। मैं और राज जी मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। आई होप विक्रांत जी मेरे बात को समझ जाए। जो फैसला आपने किया है मुझसे शादी करने का, ये आप आज के बाद कभी नहीं बदलेंगे। I love you। हालात कितने भी बदलें, हम दोनों के बीच कुछ भी हो जाए, आप इस फैसले से मुकर नहीं सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। It's a deal then। ठीक। मैं एक बार नहीं जीना चाहता आपके बिना।
जी वो विक्रांत जी से मिलना है। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं जानता था आप जरूर आएंगी। चलिए सुन ही लेते हैं क्या कहना चाहती हैं आप। ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए तो ही बेहतर होगा। क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहती थी ना? वो ये सब क्या है? मेरे मामा का वेलकम। भाभी भाभी वेलकम टू होम। वेलकम भाभी, वेलकम भाभी। ये सब क्या है? स्वागत है आपका बहुरानी। आरती, ये फूल, ये स्वागत, इस सब का क्या मतलब? सब बताती हूँ बहुरानी, लेकिन आप अपने कदम ठीक से रखिएगा, कहीं पैरों तले जमीन खिसक ना जाए। मैं आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबर देने वाली हूँ। खुशखबरी? मम्मा आपकी और डैडी की शादी 4 दिन बाद है। मम्मा मैं और 4 दिन का वेट कैसे करूंगा? आओ ना मम्मा, आप अंदर आओ ना। अभी मुझे विक्रांत जी से बात करने देगा या नहीं? इस मासूम बच्चे का क्या करूं मैं? इस पर तो बिजली गिर रही है सुनकर कि मैं इसके डैडी से शादी नहीं कर सकती। अभिमान चलो हम म्यूजिक सेलेक्ट करते हैं। चलो चलो चलो। नीलम क्या हुआ, पैरों तले जमीन खिसक गई? क्या सोच रही हो, यही ना? तो इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो गई? और सरिता, मैंने तुम्हारे ससुराल जो अब सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारा ससुराल रहने वाला है, वहां भी खबर करती है कि तुम्हारी शादी 4 दिन बाद है। बात बहुत आगे बढ़ गई। मेहमान तक आ गए। कैसे कहूं विक्रांत जी से जो बात मैं उनसे कहने आई हूं? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ना तो पति का सुख मिला ना बेटे का घर बसा। अरे बेटी भागी घर से हमारा काला मुंह करके। अरे चीखना चिल्लाना कम करेगी तो सोचने में आसानी होगी कि करना क्या है। अरे क्यों ना चिल्लाऊं, घर से जवान बेटी भागी, लोगों को पता चलेगा तो हमारे मुंह में थूकेंगे। अरे तो संभालना चाहिए था ना अपने गुस्से को, आग में तेल का काम किया है तूने। क्या जरूरत थी शीला को इस तरह लॉक करके रखने की? लॉक करेगी तो कोई भी भाग जाएगा। पेंडे दिमाग से सोचा कर, मैं और सरिता जी सब संभाल लेते, लेकिन तुझे बात बिगाड़नी थी, कभी तो अक्कल से काम लिया कर। सही कह रहा, मेरे में अक्कल नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। तू अक्कल वाला, तेरा बाप अक्कल वाला, तेरी पत्नी अक्कल वाले। जब तक 2-4 गाली ना दे ले तो इनका खाना हजम नहीं होता। अब तू भी मेरी गलती निकालने लगा। मैं तो हूँ ही अंगूठा चाह, मेरे बस की नहीं है बच्चे पालना। मैं क्या जानू बच्चे कैसे पलते हैं। माँ वो मत, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन थोड़े ठंडे दिमाग से काम ले। मैं समझ सकता हूँ तुझ पे, बाबूजी पे, दादी पे, हम सब पे क्या गुजर रही है, लेकिन भरोसा रख अपनी बेटी पर, मुझ पर भरोसा कर। मैं लेके आता हूँ उसे सही सलामत घर पे वापस, तू बस शांत रहे। ये बिल्कुल सही बात कर रहा है बेटा तू। अरे बेटी की इज्जत का मामला बहुत ही नाजुक मामला होता है, किसी को कानो कान खबर ना होनी चाहिए। जा बेटा, शीला जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर घर ले आ। जा। छोरा सही कह रहा है, अरे अकल से पैदल गला फाड़ के चिल्ला रही है कि ढिंडोरा बिना पीते ही पूरे मोहल्ले को पता लग जाए कि इस घर की लड़की भाग गई है।
राज पे कुछ तो भरोसा कर। मैं हूं ना, मैं लेके आता हूँ, आप लोग बस शांत रहिए। जा बेटा। ठीक है चलो, बाद में देखता हूँ फिर। विक्रांत जी, आपने 4 दिनों बाद शादी तय कर ली? हाँ, मेरा अभी चाहता था कि उसकी मामा जल्द से जल्द इस घर में आ जाए, और जो अभी चाहता है वो तो होकर ही रहेगा। मैं उसे कभी मना नहीं कर सकता। और क्या फर्क पड़ता है कि शादी 4 दिनों में हो या 4 हफ्तों में? हम दोनों ने तो डिसाइड कर लिया है ना, हम में से कोई भी अपना डिसीजन बदलेगा तो नहीं। किसी की भी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए, ये शादी 4 दिनों में होकर रहेगी। आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते। देखिए मुझे आपसे बहुत चलूंगा। क्या हुआ सरिता, जरूरी बात करनी है? ठीक है तो मुझसे कह दो, मैं विक्रांत को बता दूंगी। क्या है कि आज तो विक्रांत को मेहमानों के अलावा फुर्सत नहीं मिलने वाली। अरे क्या बात है, गले में कोई सच अटक गया है? मेरी स्वर्गीय बेटी के पति मेरे दामाद विक्रांत को नहीं जानती, तो उन्होंने एक बार ठान ली तो बस ठान ली। वो तुम्हारे राज की तरह तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचेंगे। तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारी दुश्मन बन गई है सरिता, जो तुम शादी करके यहां पर आने वाली हो। आप मेरी किस्मत क्या पढ़ेंगे, आप तो अपने बेटे तक की किस्मत नहीं पढ़ पाए। मैं खुद अपनी किस्मत लिखने वाली हूं। अब तक जो नहीं पाया उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं किसी के इशारों पे नाचने वालों में से नहीं हूं। मेरी जिंदगी में जो नहीं है और जो है और जो आगे होने वाला है, इसका पूरा लेखा जोखा मेरे मन में है। आप हमारे बीच में ना आए तो वही बेहतर होगा। अभी इतनी अकड़, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने विक्रांत को अपने जाल में फंस दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी है जो मैंने अभी तक नहीं देखा? सुनिए मैम, वो वार्ड नंबर 1 में एक लड़का था, वो रोहन, रोहन गुरु गुरु जो भी नाम है उसका, उसके मैंने पैसे भरे थे, वो कहाँ गया? सर वो तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज हो गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन है उसका। हाँ एक माइनर ऑपरेशन था, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनके साथ एक लड़की थी, आप देख लीजिए, उनके दस्तखत भी है यहाँ पर। नाम है शीला। इसका मतलब शीला घर से सीधा यहाँ आई थी। इसका कोई एड्रेस है आपके पास? एक मिनट, एड्रेस जल्दी कीजिए ना, मुझे इसे ढूंढना है प्लीज। नहीं यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है। एड्रेस नहीं है, कैसे ढूंढूं मैं इसको? कोई माँ को बताऊंगा तो पता नहीं क्या तमाशा करेगी। हाँ माँ, मैं आधे घंटे में शीला को घर लेके आता हूँ, आधे घंटे में। अरे मैंने बोला ना मैं आ रहा हूँ, फोन करता हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि शादी के पहले ही तुमने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। देखिए विक्रांत जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट। हेलो सरिता जी, वो शीला, दरअसल शीला कहीं चली गई है और उसका पता नहीं चल रहा है। क्या? और यहाँ मैं हॉस्पिटल में चेक करने आया हूँ तो वो गुरु भी नहीं है यहाँ पे, और दोनों का कोई पता नहीं चल रहा है। आपके पास कोई एड्रेस है गुरु का, कभी शीला ने कुछ बताया हो? नहीं राजी, शीला ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। और हाँ मुझे इतना पता है कि वो लड़का उस दुकान में काम करता था जहाँ शीला ने अपने सगाई के कपड़े लिए। हम वहाँ जाकर पता कर सकते हैं।
हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए, हमें जल्दी से जल्दी शीला को ढूंढना, नहीं तो माँ पूरा घर सर पे उठा लेगी, और अगर किसी को बाहर पता चल गया तो लोग किस तरह की बातें करेंगे आप जानती हैं। आप एक काम करिए, आप मुझे मैसेज करिए आप कहाँ जा रहे हैं, मैं वहीं पहुंचती हूँ, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। आप प्लीज घर आइए जल्दी। ठीक है राजी, बाय। विक्रांत जी मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या मुसीबत मुझे बताओ, मुसीबतों को हल करना चुटकियों का काम है मेरे। देखिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सरिता, आज हम आ रहे हैं तुम्हारे घर तुम्हें हल्दी लगाने के लिए। आज नहीं, आज वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ? क्या कहा? तुम दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन होगी जिसके पास हल्दी लगाने के लिए वक्त नहीं है। क्या हुआ, सब कुछ खैरियत तो है ना, या फिर घर पे कुछ हुआ है? क्योंकि क्या है कि जकोतिया खानदान में कब क्या हो जाए वो कह नहीं सकते, है ना? अरे पलट के जवाब भी नहीं दिया, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना सामने जवाब दिए बगैर ये नहीं जाती, पता करना पड़ेगा। राजना तो ठीक से बात ही नहीं की, बड़ा जल्दी फोन काट दिया, जरूर इस शीला ने गड़बड़ की है। ए भगवान, ये क्या कर दिया छोरी ने। हे मनोहर, इसका पिनपिनाना बंद करवा दे, सवा रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, पता नहीं कहां मेरी बच्ची उसका पिनपिनाना चल रहा है। तेरे मन में तो फूल जड़िया छूट रही होंगी आज मेरी ये हालत देख के, यही सोच रही होगी ना कि बड़े ताने मारती थी, अब तो इसकी बेटी भाग गई, अब भुगतेगी। ये सब चल रहा ना तेरे मन में, क्योंकि तू तो दो चार दिन में कुबेर के घर की रानी बनने वाली है। सासू मां, आपने आज तक मुझे बहुत कुछ सुना है, लेकिन आपकी ये बात आज मेरे दिल को छुपी है। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपको दुखी देखना चाहती हूँ? आपको ऐसी लगती हूँ मैं? वो है ही ऐसी। छचुंतरी, तुझे मैं जानती नहीं क्या? माँ, आ गई तेरी बेटी। शीला, मेरी बच्ची। बता बता कहाँ काला मुंह करवा कर, बता बेशरम। तुझे इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे? आज तक ना मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही आगे ऐसा कुछ करूंगी जिससे मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिले। मैं गुरु की मदद करने गई थी, उन्हें आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, उनके घर से कोई आने वाला नहीं था, इसलिए मैं उन्हें डिस्चार्ज करवा कर उनके घर छोड़ने गई थी उन्हें। अरे माँ, मेरी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे वो, तो क्या इतना भी नहीं करती मैं? अगर तुझे यकीन नहीं आता है ना तो पूछ ले भैया और भाभी से। अपनी बहू पे तो आज तक भरोसा नहीं किया, कम से कम अपनी बेटी पर तो कर लेते। चल तू। माँ, बात को और मत बिगाड़, शांति रख। सरिता जी बात करेंगी शीला से, वो समझा सकती है उसे। भैया, मुझे पता है कि आपको ना ये सब पसंद नहीं, पर अगर भाभी को घर लाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, रस्मों के बिना वो घर थोड़ी आएगी। डैडी, बहुत अच्छे लग रहे हो। एक मिनट, सबसे पहले मैं लगाऊंगा येलो पेस्ट अपने डैडी को।
परी अब इतने सुंदर लगने चाहिए कि मामा की नजर से वह परी रहे। ये आपको किसने सिखाया अभी? नान ने। कोई बात नहीं, आप अभी को लेकर थोड़ा बाहर जा सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी मॉम, अभी को आप ये सब क्या सिखा रही हैं? बेटा, इसमें आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये बात गुस्सा होने की ही है। विक्रांत बेटा, अगर आपकी पत्नी का प्यार सिर्फ आपको मिले, किसी के साथ बटा ना रहे, तो उसमें गलत क्या है? अगर सरिता का प्यार बटा हुआ होगा तो वो अभी की माँ कैसे बन पाएगी? आप मेरी स्वर्गीय पत्नी की माँ, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को अगर आप उल्टी सीधे बातें सिखाएंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके नन्हे से मन में आप ऐसे गलत ख्याल डाल कैसे सकती हैं? आप जानती हैं मैं सरिता से सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी के लिए माँ चाहिए। आप जानती हैं अभी के माँ के मौत के बाद मैं किस वजह से आपसे दूर रहा? अभी को आपसे दूर रखा, मैंने सोचा था इस पुनर्विवाह के बहाने ये रिश्ता फिर से ठीक कर लूंगा और इसी बहाने अभी को नानी का प्यार भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप मेरे बच्चे के मन में गलत ख्यालात डालेंगी तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।